कत टुंगी दुष्ट बेणर उत्पात बढ़ी जाइछि आउ निजे निरीह पशुपक्षी मानक हत्या करुची बेण एवं निजर समवयस्क बंधु मानक साथी मानक संगरे खेलिबा बहानारे से मानक हत्या करी चालीछि। एई समय प्रजा माने अत्यंत पीड़ित हो दुखित हो महाराज अंगों पाखे जाई आकुल विकल ही प्रार्थना करुछन्ति। हेमंत तार दुष्ट पणे गोविंद राजार अग्रे प्रजा गणे गोविंद 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 पदुगढ़ मकरंद गोविंद रोदन करी उच्च तुंडे गोविंद कर अंजलि दे मुंडे गोविंद 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 पदुगढ़ मकरंद गोविंद कहती बेण दुष्ट पण गोविंद रोदन करी प्रजा गण गोविंद 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 पदुगढ़ मकरंद गोविंद हेमंत राजा सुनी गोविंद खल पुत्र को घरे आनी गोविंद 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 पदुगढ़ मकरंद गोविंद नाना प्रकारे धर्म कही गोविंद अनेक प्रकारे बुझाई गोविंद 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 पदुगढ़ मकरंद गोविंद बोल श्रीमद भागवत भगवान की। आज प्रजा माने एभली भाव पीड़ित होती जे समस्त आखिरे लुह क्रंदन करी जाई प्रजा माने आज जनइबे क्या राजा को जनाऊँ महाराज अंग को हे महाराज आपणकर दुष्ट पुत्र एभली भाव आमको कष्ट दौची जहाँ को सही हबन कि कही हबनी आम पा बिना कारण हत्या करीह पशुपक्षी मानक निरी बिना कारण हत्या करुची तेणु एक सही हेनी बहुत कष्ट महाराज महाराज अंगराजा से खड़ापुत्र को घर को आनी नाना प्रकार धर्म उपदेश परहित सरीस धर्म नहीं भाई पर पीड़ा सम नहीं अधमाई श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम परहित सरीस धर्म नहीं भाई पर पीड़ा सम नहीं अधमाई श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम वृषावर रामचंद्र की। बापा पू को डाकी यही धर्म उपदेश देले बाबूरे तू जहा करुचु अन्यर अनिष्ट करना अन्यर अमंगल करना अन्यकु कष्ट देना जेते धर्म कथा कहिले कौन हम जहाँ जेमंत स्वभाव गुरु वचन कि कर तेणु यार तो स्वभाव निरा हो मातृदोषर दोष मातृदोष आर समस्त दुष्टामी वृद्धि पाऊँ तेणु खड़पुत्र को घरे आनी हेमंत अंग राजा शुणी नाना प्रकार धर्म कही अनेक प्रकार बुझाई जिते प्रकार चेष्टा करपा ये कथा कले पाप हब अन्य को पीड़ा दबा पापाई और परपीड़न अन्य को पीड़ा दबा अन्य को कष्ट दबा हूँ महापाप एभली कर निधन शुणते बहुतम कर पितार वचन न धरे गोविंद 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 पदुगढ़ मक
परानंद बोले सच्चिदानंद भगवान की बापा जेतो बले पुओ को उत्तम उपदेश दे भल बाट को आनिबा को चेष्टा करुचंती उपदेश ही केवल यार मूर्खामी आउरी बढ़ी दूची उपदेश ही मूर्खाणां केवल कोपवर्धनं यार राग बढ़ी जाऊची बापांक ठरु आदेश सुनला परे बापांक पाखरु ए अमृतमय अमृत तुल्य धर्म बाणी सुनी ये शांत हवा परिवर्ते आउरी दुष्टामी देखौची जिमिति पिला बेले आपण माने आमी माने समस्ते निश्चिंत गोटे विषय पढ़ीथिबा गोटे हळदी बसंत आउ मांकड़ कथा मांकड़ टीए डाळरे ए डाळरु से डाळ डेउची हठात हळदी बसंत कहिला कहले भाई मांकड़ हस्त दोयंग पद दोयंग दृश्यते मानवाकृति भाई तोर तो दीटा हाथ अच्छी दीटा गोड़ अच्छी तू तो मनीष भलिया देखा जाउची शीत पात परित्यज्य कुटीरंकी न करिसती तते शीत लागुनी ना पवन लागुनी ना कष्ट लागुनी तू घर क्या करके रहुनु ए डाळरु से डाळ काई नेउछु भल उपदेश देला ए कथा सुणिकिरी संगे संगे मांकड़ रागी जाई कहिला कौन कहिलु चढ़ई अरे छुंची मुखा दुराचारी गर्भित के नवासिता असमर्थं गृहंकृत्वा समर्थं गृह भंजनम रागी जाइकिरी कहिला मांकड़ अरे छुंची मुखा चढ़ई अरे दुराचारी कौन कहिलु असमर्थं गृहंकृत्वा मुसेना घर तैयारी करे परे नहीं समर्थं गृह भंजनम भांगी दबा पाई समर्थ गोटे मुहूर्त घर को भांगी देवी कही निरीह पक्षीर थिबा बसा टिकी मांकड़ से डाल को हलई देला गछरु से बसा गली पड़िला कहले मुसेना घर तैयारी करि परिबनी घर भांगी दबा को मते गुटिए मुहूर्त लागिबनी आजिकालि समाज रे इमिति लोकंक संख्या कम नाई घर तैयारी करि परिबनी किंतु भाई भाई रे भाई भौणी रे स्वामी स्त्री रे बाप पुओ रे न करि देई घर को भांगी दबा लोक बहुत अछंती प्रकृतरे वैकुंठ समान हा अटे से ही घर परस्पर स्नेह जई थाए निरंतर परिवार भितरे परस्पर स्नेह ममता देई परस्पर को भल पाई बसी आनंदरे कालातिपात करिबा हुचे वैकुंठ बापा माँ गुरु गुरुजन आमे हिताहित ज्ञान हरई कुआडे गति करुचे जी पूज्य प्रणम्य नमस्य से निश्चिंत पूजा पाइबा योग्य किंतु आमे जोटी अपूज्य को पूजा करुचे जोटी पूज्य को जदि अपूजा करिबा ताले ये सृष्टि रे विप्लव ही देखा देव दुख ही देखा देव तेणु आज बापांकर उपदेश ता कर्ण रे प्रवेश करूना बरम ताहा तार क्रोध वृद्धि करिबारे सहायक होइछि तेणु दुष्ट बेण शुणते बहुतम करे पितार वचन न धरे शुणिकिरी पूरा रागि जाउछि क्रोधरे जर्जरित तो हो जाऊँ बापा कथा को मानवा को तार आग्रह ना तेणु यही जो मैंने बापा माँ को उपदेश को मानते ना ठार बड़ राक्षस आए गोटे जगार बापा माँ कथा को न मानिले चले कौ जगार ना जदि आपणकर आध्यात्मिक उन्नति पथरे बापा माँ अंतराय सृष्टि कले से जगार न मानिले दोषावह नुहे काहीकि ना भगवान को प्राप्ति हवापाई आप जाऊंट भगवान जहाँ प्रिय नुहति से जिते आपणार हेले दूर कले कौन पाप लगे ना जमी रामायण से कहुची श्रीराम जानकी जार प्राण प्रिय नुहे रे श्रीराम जानकी जार प्राण प्रिय नुहे जेते आपणार बैरी से पराणर जेते आपणार बैरी से पराणर हेउ जेते आपणार बैरी से पराणर हेउ जेते आपणार बैरी से पराणर ताकुते जीवारे सार विचारी मुकुहे रे ताकुते जीवारे सार विचारी मुकुहे रे राम जानकी जार प्राण प्रिय नुहे रे राम जानकी जार प्राण प्रिय नुहे रे राम
राम जानकी जार प्राण प्रिय नुहे रे। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री राम जानकी जार प्राण प्रिय नुहे रे। हेउ जेते आपणार बैरी से पराणर ताकू तेजिबारे सार विचारी मुंकु हेरे। जेते आपणार हुंतु जदि भगवान को प्रति तांकर भक्ति नाही भगवान कर से नहले से जेते आपणार हुंतु से बैरी। आम संस्कृति कहे मातृदेव भव पितृदेव भव आचार्य देव भव अतिथि देव भव एमाने समस्त होचंदे आम पाई देवता। मात्र जदि भगवान प्रिय नहले माने से माता हुंतु पिता हुंतु गुरु हुंतु भ्राता हुंतु बंधु हुंतु श्रीराम जानकी जार प्राण प्रिय नुहे रे। हेउ जेते आपणार बैरी से पराणर ताकू तेजिबारे सार विचारी मुंकु हेरे। किंतु माँ होचंदी आम पाई प्रथम देवता। किंतु भरत माता को त्याग कले रामायण रे। पितृदेव भव पिता होचंदी देवता। किंतु प्रह्लाद पिता को त्याग कले। विभीषण निजर भ्राता को त्याग करिचंती आ बळी निज गुरु शुक्राचार्य को त्याग कले। काई एमाने भगवान कर विरोधी हे गले। भरत तेजिले माता प्रह्लाद तेजिले पिता। 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 विभीषण तेजे भ्राता विभीषण तेजे भ्राता। बड़ी तेज गुरु रे श्री राम जानकी जार प्राण प्रिय नुहे रे। श्री राम जानकी जार प्राण प्रिय नुहे रे। बोली श्रीमद भागवत भगवान की। आमे भागवत रु जानी प्रह्लाद गुरु प्रह्लाद तेचिले पिता पिता मो पाई गुरु पिता को त्याग कले। भरत माता गुरु को त्याग कले। बळी तांको गुरु शुक्राचार्य को त्याग कले। काहेकि ना एमाने भगवत विरोधी हबारु तांको त्याग कले किछि दोष नाही। किंतु माँ मो पाई देवता बापा मो पाई देवता गुरु ब्राह्मण माता पिता सभी आम्भर देवता। यही जगार कथा न मानले दोषाव नुहे। किंतु मानवा दरकार केवल आध्यात्मिक गति पथरे जदि से अंतराय सृष्टि कले से जगार न मानले दोष ना। किंतु अन्य सब समय रे मोपाई मो माता पिता जीवंत देवता। किंतु आज अंग होती पिता जन्म नहीं बेण बेण किंतु बापा को उपदेश को खातिरी कले नाही। से कथा को कर्णपात कले बर उपदेश शुणिला बेलू भितर आउरी मूर्खामी बढ़ीगला तांक भितर हिंसा बढ़ीगला तांकर क्रोध आउरी बढ़ीगला। सर्प को जदि क्षीरपान करिवे केवल तांक विष वृद्धि रे सहायक हबो। सिने मूर्ख मान को उपदेश देले केवल तांकर कोपवर्धन सिना हबो आउ हबो कण। तेणु ये मूर्ख बेण पितांकर उपदेश को उपलब्धि करि पारिले नाही। दिनकु दिन दुष्ट पणे गोविंद कोप बहिले प्रजा गणे गोविंद। गोविंद 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 पदु गड़ुछि मकरंद गोविंद। अंग तहार कर्म देखी गोविंद भाड़ई अति दुखे दुखी गोविंद। गोविंद 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 पदु गड़ुछि मकरंद गोविंद। बोले श्रीमद भागवत भगवान की। दिन कु दिन दुष्ट पणे कोप बहिले प्रजा गणे। यार दुष्टामी एभली बढ़ी गला जे दिन कु दिन कमिबारे नाही
प्रजा मानक पाखे यार पीड़ा आहुरी बढ़ी गला। राजा माने प्रजा वत्सल हवा कथा, किंतु स्वयं राजा पुत्र जिते प्रजा पीड़क है प्रजा माने आउ कहारी पाखे दुख जनईबे। अन्याय अनीति जदि प्रजा माने भोगंती से राजा पाखे जाए गृहारी करती, महाराज आम प्रति अन्याय होचे अनीति होचे। स्वयं राजा पुत्र जिते अन्याय करुचे से कहा पाखे आउ दुख जनईबे, जाए अंग पाखे क्रंदन करी करुणा करुणा क्रंदन करी हाथ जोड़ी मुंड पाथी प्रार्थना करे, महाराज आउ सही हो ना। दुखर सीमा टपी गला, अन्याय अनीतिर भार बढ़ी गला, आउ ताहा पुणी आपणकर से दुष्ट पुत्र बेणक द्वारा आज महाराज अंग बड़ दुखित ही पड़िले। अरे जो प्रजा मानक मु पुत्रवत स्नेह करूथिली, प्रजा मानक पुत्रवत पालन करूथिली, आज ये हतभागा पुत्र को प्राप्त हेला परे आज प्रजा माने निजे पीड़ित दुखित समस्ते करुण क्रंदन करूचंती, हाय हाय ये दुर्भागा पुत्र काहीकि मोठ जन्म नेला, भगवान को पाखरे मु की अपराध करथिली, मते पुत्र रूपरे एही बली गोटे दुष्ट को देले। जदि पूर्व जन्मरे किछि ऋण करथिबे ए जन्मरे गोटे दुष्ट पुत्र को आपण प्राप्त हेबे, कारण आपण काहाकु देइलांती बापा मांग सेवा करिनांती, तेणु ए जन्मरे पुओ होइकिरि आपणकर से सुजुजी खर्च करि करि चालिछि। जदि खर्च न देले अन्याय कला अनीति कला, तेणु माँ बापा माने एभली दुष्ट पुत्र को पाइले बापा मांकर जीवन दुर्विष हो पड़े, प्रत्येक मुहूर्त ही मरवापी इच्छा हुए। तेणु आम भगवान को प्रार्थना करवा, हे महाप्रभु कहा जीवन में एमती पुत्र न आसत, गोटे उत्तम पुत्र टीए पाइले जमती कोटि कोटि तारा भितर गोटे चंद्रमा सुशोभित हुए आपण को मन आनंद परिपूर्ण हो जीव, किंतु दुष्ट पुत्र टी हेले प्रत्येक मुहूर्त में मृत्यु सहित संग्राम करिबा सार हव। तेणु महाराज आज प्रार्थना करूँ भगवान को पाखरे, हे प्रभु मु कौन अपराध कली कौटे अपराध कली, देख मो विष्णु पादे से भी कुपुत्रे हेली पराभवी। गोविंद 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 मधु गाड़ुछि मकरंद, सबुरी संगे निरंतरे महते दोरे हाचरे। गोविंद 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 मधु गाड़ुछि मकरंद, प्राणी का मने बहु व्यथा ए दुष्ट दिया सर्वथा। गोविंद 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 पदु गड़ुछि मकरंद, ए पुत्रे कार्य अछि किस नासई इह परजस। गोविंद 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 पदु गड़ुछि मकरंद। बोली श्रीमद भागवत भगवान की। आज महाराज अंग बड़ चिंतित तो ही पड़िले, निजे अत्यंत संतापित, हे भगवान मोर की कर्म थिला मु आज ये भोलिया दुष्ट पुत्र को प्राप्त हेली, देख मु विष्णु पादे सेबी कुपुत्रे हेली पराभवी, सबुरी संगे निरंतरे महते द्रोह आचरे, महत लोक माने मते द्रोह आचरण करुचंती, प्राणी को मने बहु व्यथा ये दुष्ट दियई सर्वथा। ये प्राणी मान को भितरे जो आतंक सृष्टि करुचि समस्त व्यथा पाउचंती, तेणु ये भली दुष्ट पुत्र पाइकी लाभ कण अच्छे, ए पुत्रे कार्य अच्छे केश नाश इह परदश, ए जन्मर जश को तो मोर नष्ट कला कला परजन्मर जश को मध्य नष्ट करदेव ये दुष्ट करदेला। कहले सुपुत्र को पाइले घर छाड़ी जावाक इच्छा हेनी, किंतु कुपुत्र को पाइले लाभ इतनी संसार प्रति आसक्ति आउ आसव ना, कारण जी भल पुओटे था मुझे पुत्र मुख को देखिए आनंद कालातिपात करते, कि बोधे भगवान यह भी मो प्रति करुणा,
ଏଭଳି ଦୁଷ୍ଟପୁତ୍ର ମିଳିବାରୁ କୁପୁତ୍ରେ ମାତ୍ର ଏତେ ଲାଭ, ଏ କୁପୁତ୍ରଟି ପାଇବାରୁ ଏତିକି ମାତ୍ର ଲାଭ, ସ୍ୱଜନ ଗୃହେ ଛାଡ଼େ ଲୋଭ। ମୋର ଯେଉଁ ଆସକ୍ତି ଥିଲା ଘର ପ୍ରତି, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ, ମୋ ଘର, ମୋ ପରିବାର, ମୋ ରାଜ୍ୟ, ଏ କୁପୁତ୍ରର ଯେଉଁ ଚୋଳା, ୟାର ଯେଉଁ ପୀଡ଼ା, ଇଏ ମୋତେ ଲାଭଦାୟକ ହେଇଛି ଯେ ସଂସାର ପ୍ରତି ମୋର ମୋହ ମାୟା ତୁଟି ଯାଇଛି। ସୁପୁତ୍ର କୁପୁତ୍ର ବିଚାରେ ଚିତ୍ତ ନ ରହେ ତାର ଘରେ, ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଡ଼ୁଛି ମକରନ୍ଦ, ରଜନୀ ଅର୍ଧେ ନୃପବର ମନ୍ଦିର ହୋଇଲା ବାହାର, ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଡ଼ୁଛି ମକରନ୍ଦ, ବନେ ପଶିଲା ନରପତି କେହି ନ ଜାଣେ ତାର ଗତି, ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ଶ୍ରୀମଦ ଭାଗବତ ଭଗବାନ କି। ସୁପୁତ୍ର କୁପୁତ୍ର ବିଚାରେ ଚିତ୍ତ ନ ରହେ ତାର ଘରେ, ଏଇ ବିଚାର କରୁ କରୁ ମହାରାଜ ବଡ଼ ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ ହେଇ ପଡ଼ିଲେ ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ସଂସାର ଛାଡ଼ି ଯିବାକୁ ହେବ। ରାତି ଅଧରେ ମହାରାଜ ନିଜେ ଘର ଛାଡ଼ିକିରି ପୁଅର କଷ୍ଟ ଆଉ ସହିପାରିନାହାନ୍ତି ବା ପୁଅର ଯେଉଁ ପୀଡ଼ା ଆଉ ସହିପାରିନାହାନ୍ତି, ମହାରାଜ ଗୃହତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି। ତାହାର ପାତ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଗଣେ ଗୋବିନ୍ଦ, ଅନେକ ଖୋଜି ଘୋର ବନେ ଗୋବିନ୍ଦ, ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଡ଼ୁଛି ମକରନ୍ଦ, ଗୋବିନ୍ଦ ଭାଷା ପ୍ରବନ୍ଧି ଭାଗବତ ଗୋବିନ୍ଦ, ବୋଲଇ ବିପ୍ର ଜଗନ୍ନାଥ ଗୋବିନ୍ଦ, ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଡ଼ୁଛି ମକରନ୍ଦ, ଗୋବିନ୍ଦ ବୋଲି ଶ୍ରୀମଦ ଭାଗବତ ଭଗବାନ କି। ଇତି ଶ୍ରୀମଦ ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ ପରମହଂସ୍ୟାଂ ସଂହିତାୟାଂ ଚତୁର୍ଥ ସ୍କନ୍ଦେ ବେଣ ଜନ୍ମ କଥନଂ ନାମ ତ୍ରୟୋଦଶ ଅଧ୍ୟାୟ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ବୋଲି ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ କି।